हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ न्यूली मैरिड गर्ल्स मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा मेकअप, मेरा हेयर, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप चाहो तो इस मेकअप लुक को किसी भी फेस्टिवल पर या फिर आप ईद पर या फिर किसी भी फंक्शन के मौके पर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। न्यूली ब्राइड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आज का वीडियो। आई होप आज की वीडियो में आपको मेरे इस वीडियो से कुछ आइडियाज़ मिले। ये वाला जो मेकअप है ये आपको एक ग्लैमरस लुक देता है, आपको एक सिंपल सा यूनिक सा लुक देता है। बहुत सारे लोग रेड ग्रीन वगैरह कलर्स पहनते हैं, लेकिन ये कलर, आज का कलर, जो आज का मेकअप है, जो आज का हेयर स्टाइल है, जो सब कुछ मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप सबसे हटकर लगोगे। एक आपका एक ऐसा स्टाइल लगेगा जो कि आपने अभी तक क्रिएट किया ही ना हो। तो चलिए, बातें हो गई है बहुत सारी, बढ़ते हैं मेकअप की तरफ। तो ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया है तो वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको न्यूली मैरिड गर्ल्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जिनकी शादी होने वाली हो या फिर किसी की शादी हो चुकी हो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप कि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है देख ही लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना आई मेकअप शुरू कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले अपने आई पर कंसीलर यूज़ किया है, जो कि है मेबलिन का। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो पैलेट यूज़ किया है। यहाँ से मैं बहुत ही लाइट पिंक वाला शेड पिक कर रही हूँ। इस तरीके से हमें ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए आपको बहुत सारा टाइम लेना होता है। इसके बाद मैं इसी पैलेट से ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क है, तो इसको मैं लेती जाऊँगी और अपने आईलेट पर इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना है। अपना आई जो शेप होता है आपको उस तरीके से ड्रॉ करना है, जैसा शेप आप लेते हो वैसा ही आपका मेकअप लुक क्रिएट होता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। इस तरीके से आपको ब्लेंड करना है, जैसा कि जो आपका पहला वाला कलर है, जो इसके बाद वाला शेड है, वो अच्छे से ब्लेंड हो। तो ये कलर्स जो है वो अच्छे से ब्लेंडिंग होने के बाद मैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड पिक कर रही हूँ। और इस शेड को आपको क्या करना है, अच्छे से आपको एक लाइन सी बना लेना है इस तरीके से। ये देखिए, जिस तरीके से मैं एक छोटा सा, मेरे पास फ्लैट ब्रश है जिसके हेल्प से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद आपको छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर वही मेबलिन का कंसीलर ले रही हूँ, उसको अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मैं एक छोटे से फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद इसको पाउडर से सेट करना है, बहुत आराम से सेट करना है ताकि आपका जो आई शेड है उस पर ना लगे। इसके बाद मैं यहाँ पर ये वाला लाइट पर्पल ग्लिटरी शेड अप्लाई कर रही हूँ इसी पैलेट से। मैंने सारे आई मेकअप के लिए यही पैलेट यूज़ किया है, तो इसको मैं अच्छे से फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्लिटर वाला शेड है इसीलिए। इसके बाद मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क पर्पल शेड पिक किया है मैंने। अब इसको मैं अच्छे से अपनी कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड तब तक करूँगी जब तक कि मुझे मेरे हिसाब का कलर ना मिले। ब्लेंडिंग करते टाइम मुझे मेरी आईलेट पर भी ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सारे कलर्स जो है वो अच्छे से स्मच्ड हो जाए, ऐसा ना लगे कि आपकी आईलेट पर अलग कलर है, आपके इनर कॉर्नर पर, आउटर कॉर्नर पर अलग अलग कलर्स हैं। तो इनको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद हमारा आई मेकअप जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का वेटलेस मॉस फाउंडेशन। 150 रुपीज़ का आई थिंक होगा, मिनी पैक है। तो इसी से मैं आज का मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज के वीडियो में मैं अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ, ताकि हर लड़की के पास इस तरीके के प्रोडक्ट्स हों और वो भी इसी तरीके का मेकअप लुक क्रिएट कर पाएँ। तो अब इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करने में चाहे आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करो, आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो आई मेकअप हो, आपको इन दोनों चीज़ों में टाइम हद से ज़्यादा लग जाता है, तो अच्छे से टाइम दिया करें। इसके बाद इस फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर मेबलिन का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक आईलैश कर्लर की हेल्प से अपने आईलैश को कर्ल कर रही हूँ। लाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर, जो कि बहुत अच्छा आईलाइनर है। इसके बाद आईलैशेस के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी के आईलैशेस। इसको मैं एक प्लकर की हेल्प से अच्छे से लगा लूँगी अपनी आईज़ पर, तो थोड़ा सा आई लुक, थोड़ा सा नहीं,
हद से ज़्यादा चेंज हो जाता है जब हम इस तरीके का वाइट काजल यूज़ करते हैं। सॉरी, मेरा वाइट काजल नहीं है, मेरा काजल है, यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का गोल्डन ग्लिटर काजल यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारा आई मेकअप टोटली चेंज हो जाता है। इस काजल को लगा लेने के बाद मैं इसी हुदा ब्यूटी के न्यूड आई शेडो पैलेट से मैं ये वाला बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक बोल सकते हो या फिर पर्पल कलर भी बोल सकते हो, उसी शेड को मैं यहाँ पर अपनी वाटर लाइन के नीचे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की, तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पर मार्स का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा कॉन्टोरिंग स्टिक है, इसमें आपको कंसीलर और कॉन्टोरिंग दोनों मिल जाते हैं, टू इन वन पैक होता है, अफोर्डेबल होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का लिक्विड ब्लश, जिसको मैं कुछ इस तरीके से एक साइड पर अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी, फिर इसके बाद दूसरी साइड पर अप्लाई करूँगी, फिर इसके बाद ब्लेंड करूँगी, क्योंकि बहुत जल्द ही सूख जाता है, तो चांस नहीं लेना चाहिए जब हम मेकअप करते हैं, तो कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर के लिए ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट, जिसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो मैं अपने ड्रेस के हिसाब से या फिर अपने मेकअप लुक के हिसाब से ही कलर शेड पिक करती हूँ। मैंने यहाँ पर गोल्डन शेड ही पिक किया है हाइलाइटिंग के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर लिप लाइनर की हेल्प से अपने लिप को अच्छे से आउटलाइन करूँगी। ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं ना तो अच्छे से फ्लफ़ी लिप्स दिखते हैं, बिगर लिप्स दिखते हैं। इस तरीके से आपको आउटलाइन करने के बाद अच्छी सी डार्क आउटलाइन कर लेना है, अपने लिप्स का शेप आपको देना है। इसके बाद आपको दोनों साइड से कट लगानी है, इसके बाद दोनों साइड से आपको डार्क शेड देना है। सेंटर में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ MN का छोटा सा लिक्विड लिपस्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसको मैं अपने लिप्स के सिर्फ बीच में ही अप्लाई कर रही हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे लिप्स जो हैं वो अच्छे से बड़े वाले लिप्स लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अपने फाउंडेशन को, अपने सारे मेकअप को बेक करने के लिए ADS का बनाना लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा पाउडर है गाइस, और ये अफोर्डेबल भी होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने अफोर्डेबल ही यूज़ किए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूँ, ताकि आपको ख़रीदना हो तो ढूँढना ना पड़े, आपको डायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स मिल जाए। मेकअप फिक्सर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, और ये फिक्सर भी ज़्यादा महंगा नहीं होता है। सस्ते वाले प्रोडक्ट्स भी आप अच्छे से प्रोडक्ट से भी आप अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। चलिए जी, मेकअप हमारा ख़त्म हो गया है, अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा जूड़ा बनाया है, इसका टोटल रिव्यू इसी वीडियो के बाद ही आएगा, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको ये जूड़े वाला भी वीडियो जल्द से जल्द आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के साथ मिले। मैंने यहाँ पर अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है, साड़ी मैंने पहनी है, इसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी डाली, ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस तरह का आप लुक क्रिएट आराम से कर सकते हो, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और आपकी फैमिली को भी, या फिर बोल सकते हो आपके हबी को भी। तो यस, ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफ स्टाइल एंड Change your life.